हाय गाइस, राम राम जी। वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। कैसे हैं आप? होप अच्छे होंगे। मैं यहाँ बहुत अच्छे से हूँ और होप सबकी जो जन्माष्टमी पूजा है, जन्माष्टमी का जो व्रत होता है वो अच्छे से गया होगा। मेरा भी बहुत अच्छे से गया। अगर आपने कल का व्लॉग देखा होगा तो कल हम गए थे मस्ती मारने के लिए नीरू के घर। मेरी जो छोटी बहन है ना, वहाँ गए थे और वहाँ हम सब ने खूब सारी मस्ती की। वहीं पे हमने व्रत रखा। सुबह की जो पूजा है वो मैंने वहीं की थी, आपने देखा होगा मेरे जन्माष्टमी वाले व्लॉग में। और आज के मैं आपको थोड़ी सी क्लिप्स शेयर करना चाह रही हूँ, जो कि हम शाम को वहाँ से चले और पूजा के लिए, क्योंकि यहाँ पर शाम को फूल नहीं मिलते हैं। तो इसी वजह से क्या हुआ, रास्ते में जो पौधे लगे होते हैं ना, बड़े बड़े पेड़ चंपा के लग रहे थे, और वहाँ से मैंने फूल कलेक्ट किए। बहुत मेहनत की, पूरा थकान के साथ थी मैं, मतलब थकान हो रही थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद भी मुझे पता था कि वहाँ पर जाकर मुझे फूल नहीं मिलेंगे, तो मार्केट में कहीं फूल नहीं मिलते, तो मुझे इंतज़ाम करना था जंगल से फूल लाकर। तो जंगल से ही मैंने फूल लिए और वो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि मैं कुछ करना चाह रही हूँ, मन में था। और शाम हो गई थी आते आते, वहाँ पर हमने धूमधाम से जन्माष्टमी की, खूब सारी मस्ती की। उसके बाद हम शाम को चले, फूलों का इंतजाम मैंने रास्ते में ही किया और रास्ते में फूल तोड़ते हुए लाए थे। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ छोटी सी क्लिप कि मैंने क्या किया था, कैसे कैसे मैंने फूल लिए रोड साइड से, और देखिए क्लिप। हम नारियल पानी पी रहे हैं, अभी नारियल पानी आ रहा है, ये देखिए नारियल पानी। दोस्तों नारियल पानी बहुत ही अच्छा होता है पीने के लिए, तो आप रोज पीजिएगा। जय हिंद, जय श्री राम। हम आ चुके हैं अब घर पर, और हम लेकर आए थे कुछ फूल जो हमारे रास्ते में पड़ते हैं ना सड़कों पे, क्योंकि अब इस टाइम जो है यहाँ पर फूल नहीं मिलते,
तो स्कूलों का इंतजाम हमने रास्ते में से ही कर लिया था और घर आ गए। आप जोरों शोरों से गाने की आवाज़ सुन रहे होंगे। यहाँ पर मुझे बहुत तेज़ बोलना पड़ रहा है और आप बिल्कुल थक कर हो चुके हैं चूर। अब करते हैं थोड़ा सा काम धाम और मंदिर को करते हैं थोड़ा सा सजाने धजाने का काम, क्योंकि रात को 12 बजे पूजा होनी है। फिर जब हम घर आ गए उसके बाद मैंने अपनी मेड को फ़ोन किया और उनको कहा कि आ जाओ, तो उन्होंने मना कर दिया कि अब तो शाम ज़्यादा हो गई, ये रात हो गई, मतलब अंधेरा होने वाला था, अंधेरा हुआ नहीं था बट अंधेरा होने वाला था, तो कह दिया कि अब मैं थक गई हूँ, अब वापस नहीं आऊँगी मैं। तो चलो ठीक है। फिर मैंने क्या किया, सबसे पहले आके 10 मिनट के लिए मैं बैठी, फिर मैंने थोड़ी सफाई की, मंदिर साफ़ किया, फिर दोनों बच्चों के साथ सारी सफाई की घर की। और इतना सारा काम हो गया, सफाई करना, मंदिर की सफाई करना, फिर फूलों से सजाना, उसे लगभग हमें 1-1.5 घंटा लग गया। उसके बाद फिर मैंने नहाना धोना किया, फिर मैं किचन में गई, खाना पीना बनाया, फिर उसके बाद दोबारा से नहाई क्योंकि किचन में पसीना बहुत ज़्यादा था, फिर दोबारा से नहाई, तब जाकर चैन आया। फिर उसके बाद हमने पूजा की और पूजा कैसे की ये देखिए। अब यहाँ पर मैंने सजा दिए हैं अपने भगवान जी, अपना मंदिर मैंने सजा दिया है और जितना मेरे से हो सका मैंने उतना किया। अगर आपको कैसा लग रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है ना, तो एक लाइक ज़रूर कर देना। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात वृंदावन में पहुँच गई हूँ और भगवान कृष्ण के मुझे दर्शन हो गए हैं। बहुत ही ज़्यादा अद्भुत एक नज़ारा मुझे दिख रहा है। तो आइए मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने कैसे कैसे सजाया है अपना मंदिर। और ये देखिए अद्भुत नज़ारा मुझे लग रहा है, क्योंकि इतने रोज़ाना हम इतना सब कुछ नहीं करते हैं अपने मंदिर में जैसा कि आज किया है। तो देखिए ये हैं मेरे लड्डू गोपाल, ये देखिए, जो कि झूले में बैठे हैं और यहाँ पर झूला है इनका, ये डोर जा रही है, ये देखिए यहाँ पर, और पूरा चंपा के फूलों से मैंने इनको सजाया है और बहुत ही प्यारे से इन्हें, ये देखिए मिरर वर्क के जो है कपड़े पहनाए हुए हैं इनको। और ये देखिए ये है मेरे कृष्ण कन्हैया, मेरे लड्डू गोपाल, और बहुत ही प्यारा सा एक दृश्य जो है ना वो लग रहा है। और ये देखिए यहाँ चंपा के फूल हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग बाहर थे और शाम को वापसी आते टाइम यहाँ पर फूल नहीं मिलते, तो मैं रास्ते में जहाँ से मेरे से फूल मिले ना मैं वहाँ से ले आई, रोड साइड से फूल लेकर आई। और ये देखिए ये कितना प्यारा मंदिर सजा है। और ये देखिए कुछ पौधे की टहनी है ये, और जो मैंने यहाँ ग्लास में लगा दिए, देखिए पानी के अंदर है ये, दोनों तरफ लगा दी हैं। तो एक जो भगवान कृष्ण को ग्रीनरी पसंद थी ना, एकदम ग्रीन जंगल पसंद था, वो जंगल यहाँ पर मैंने बनाने की कोशिश की है। इनके झूले में भी ये देखिए चंपा के फूल लगाए हुए हैं, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत नज़ारा। तो चलिए बोलिए मेरे साथ आप भी, भगवान कृष्ण की जय, बांके बिहारी लाल की जय। यहाँ से मेरा कृष्ण जी बोला जय। तो बस इसी के साथ साथ आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबके घर में भगवान कृष्ण की कृपा हो और बहुत ही अच्छे से खुशहाली से आपकी कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव जो है वो पूर्ण हो। तो चलिए इसी के साथ साथ अब हम करते हैं कुछ और तैयारियां जो कि अभी तक नहीं हो पाई हैं, तो चलिए कर लेते हैं, टाइम नहीं है, और जल्दी जल्दी से निपटा लेते हैं काम को। तो वे भोग के लिए रेडी है चरणामृत और पंजीरी और ये बर्फ़ी और सब्जी है और है पूरियाँ, तो इनसे लगेगा कृष्ण जी का भोग। और भोग की मेरी थाली तैयार है, बस अब चांद निकलने का इंतज़ार है, उसके बाद भोग ही लगा देंगे। तो भाई अब लगाने जा रहे हैं हम भोग, नहा धोकर हो चुके हैं रेडी, और अब लगाएंगे भगवान श्री कृष्ण को भोग, लड्डू गोपाल को। तो चलिए चलते हैं। तो भाई लगा देते हैं हम कृष्ण जी को टीका,
जय हो कृष्ण कन्हैया की, जय हो लड्डू गोपाल की, जय हो बाके बिहारी लाल की, जय। तो यहाँ पंडित जी जला रहे हैं ज्योत। राम राम पंडित जी। जय हो कृष्ण महाराज की, जय हो गोवर्धन महाराज की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय हो गिरिराज महाराज की। हाँ आ गया है भोग भगवान जी का। आलू ये चलो 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 चलो, आपने छींटे तो लगाए नहीं गंगा जल के, यहाँ से हो जाते हैं गंगा जल के छींटे से शुद्ध हमारा मंदिर। और ये है हमारे लड्डू गोपाल जिनका आज भोग लग रहा है। चलो 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 लगाओ भोग। क्या लगाऊं पहले? पहले इससे लगेगा बादाम। हाँ इससे और पंजीरी से और चरणामृत से इसको ले और भगवान जी को खिला दो। ये भगवान जी, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय हो गिरिराज महाराज की, लड्डू गोपाल की जय। जय हो। तो आ गया है अब वैभव का नंबर भोग लगाने का। खा लो कृष्ण भगवान जी, पंजीरी है बहुत टेस्टी सी यमी सी, और ये है बर्फी, इसका भी भोग लगाओ और खाओ और बताओ हमें कि कैसी लगी ये तुलसी के पत्ते काट के मैंने डाले थे। और ये है सब्जी और पूरी, खाकर बताओ कैसी है। जय हो गैया मैया की। यहाँ झुला रहे हैं आर्च की, देखो ढंग से झुला दे, ढंग से झुला दे बेटा, ढंग से झुला दे। कृष्ण भगवान जी देखो ये क्या करते हैं, है ना। ये झूला झुलाया जा रहा है कृष्ण जी को। तो अब जाएंगे चंदा को अर्घ देने के लिए, पानी देने के लिए। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में यानी कि कल। बाय। चलिए आपको एक बार अपने मंदिर पे दर्शन और करा देती हूँ बाके बिहारी लाल।